हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और कुशल मंगल से होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे हो रही है करवा चौथ के दिन जो खाना बनाते हैं उसकी तैयारी शुरू हो गई है। तो मैंने दोपहर के 2 बज रहे हैं और सारा सब लोग को खाना पीना खिलाने के बाद पूरा किचन अच्छे से क्लीन किया है, क्योंकि पूजा पाठ का जब कुछ भी बनाते हैं तो किचन साफ करके ही बनाते हैं। बर्तन भी धुल लिए थे, किचन भी पूरा साफ करके फिर मैंने यहाँ पर शुरू किया है। तो जो सबसे पहले बनाने जा रही हूँ वो है चावल के आटे की लड्डू। तो उसको क्या कहते हैं, पहले मैंने यहाँ पे 2 कटोरी आटा लिया है, उसको चाल रही हूँ। तो इसको बिना किसी घी के ऐसे ही थोड़ा सा भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। तो हम लोग गांव में पहले चावल के आटे के लड्डू बनाते थे, और कभी कभी नहीं बनाती हूँ तो बाहर के लड्डू भी चढ़ा लेती हूँ। ऐसा कुछ इसमें ज़रूरी कुछ नहीं है कि आप इसी को बनाओ, लेकिन जो चीज़ शुरू में अगर हम कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो उसका मन करता है कि हाँ उसको बनाएँ। जो फर्स्ट टाइम तो हमने पहले शुरू शुरू में जो नया चावल होता था उसका लड्डू बनाया जाता था, पूजा में चढ़ाया जाता है वैसे, तो वो बनाते थे। अब तो ऐसा यहाँ कहाँ मिलेगा नया चावल, पर जो चावल होता है उसी के लड्डू बना लेते हैं। तो यहाँ पे आटे को बस थोड़ी देर अच्छे से थोड़ा सा मीडियम आंच पे ही भूज लिया है। उसको बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, बस थोड़ा सा ये हो कि उसकी नमी चली जाए, और थोड़े थोड़े भूज गए हैं। तो यहाँ पर मैं इसी तरह से बनाऊँगी चावल के आटे के लड्डू। और आप लोग भी आज के दिन ऐसे ही बिजी रहे होंगे, आप लोग भी बताइएगा कि क्या क्या बनाया कमेंट करके मुझे, क्योंकि सबके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं कि कोई कुछ बनाता है कोई कुछ बनाता है। पर हमारे यहाँ जो बनाते हैं वो मैं बना रही हूँ। और कई जगह पूजा दोपहर में ही हो जाती है, कई जगह पे शाम को पूजा होती है। तो हमारे यहाँ शाम को ही रात में ही करते हैं पूजा, चाँद निकलने से पहले। तो दिन में जो है बनाना होता है वो बना के तब तैयार हो के तब पूजा करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो 2 कटोरी चावल लिया था उसको थोड़ा सा भूंज लिया है। उसके बाद इसमें 1 कटोरी चीनी, 2 कटोरी में 1 कटोरी चीनी से बढ़िया मीठा हो गया था, ना कम था ना ज़्यादा था। वैसे अपने हिसाब से मीठा कम ज़्यादा कर ही सकते हैं, पर ये सही था 2 कटोरी में 1 कटोरी चीनी। और उसके बाद मैंने उसको पीस के डाल दी थी। और यहाँ पे ये है मलाई, 1 कटोरी के करीब है, पर मैंने ये बड़े बर्तन कटोरे में ऐसा लग रहा है पर ये 1 ही कटोरी है। अगर आप 3 दिन की भी मलाई, फ्रेश मलाई निकाल के रख देते हैं तो वो आप उसमें घी कुछ भी और ना ऐड करें, अच्छे से लड्डू बन जाएंगे। तो यहाँ 2 दिन की मलाई थी, थोड़ा सा गर्म दूध इसमें मैंने गर्म किया था डाल के, और उसके बाद ये लड्डू बहुत अच्छे बन जाते हैं बिना घी के। और चाशनी वगैरह कुछ नहीं, आसानी से बन भी जाते हैं। और आज थोड़े बहुत लड्डू बनाते हैं तो ज़्यादा दिन रखते भी नहीं, ऐसे ख़राब होने का भी डर नहीं रहता। और फिर भी 1 हफ्ते इस लड्डू को आराम से रख के फ्रिज में खा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने डाले हैं ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट में मैंने किशमिश डाला है, नारियल, और थोड़े से बादाम और काजू, और थोड़े से मखाने के। तो 5 तरह के ड्राई फ्रूट मैं अक्सर जब पूजा पाठ का कोई भी सामान बनाती हूँ तो डाल देती हूँ। और डालने के बाद खूब अच्छे से मिला दिया था मैंने वो मलाई। और अगर आप इसमें घी डालना चाहिए तो घी भी डाल सकते हैं, और इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, तो और स्वाद बढ़ जाएगा। लेकिन मैंने सिंपल ये मलाई भी डाल के बहुत अच्छा टेस्टी बन जाता है, और लड्डू टाइम भी नहीं लगता बनाने में, बहुत आसानी से अच्छे से बन जाते हैं ये लड्डू, दिक्कत भी नहीं आती। और काफ़ी आप उसको देखेंगे तो उसमें ऐसे लगेगा कि घी डला हुआ है, क्योंकि मलाई में तो घी रहता ही है। और घर की जब फ्रेश मलाई आप निकाल के रखेंगे 2-3 दिन की, वो डाल देंगे तो उससे स्वाद भी बन जाए। वैसे तो खोआ या मावा जो बोलते हैं वो डाल के बनाया जाता है लड्डू, तो और टेस्टी बनते हैं। पर अगर आप मावा खोआ नहीं डाल रहे, सिर्फ मलाई डाल के बना देते हैं, तो उससे भी बहुत ही टेस्टी लड्डू बन जाएंगे। आप लोग भी एक बार ट्राई करिए, ज़रूरी नहीं व्रत के दिन, वैसे भी बना के खा सकते हैं इसको, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए बड़े आसानी से बढ़िया लड्डू बन गए थे मेरे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे गुलाब जामुन का 1 पैकेट लिया है, बनाने जा रही हूँ। तो 1 पैकेट गुलाब जामुन को मैंने हल्के मतलब नॉर्मल पानी से गूंद लिया था। और यहाँ पे मैंने 1.5 गिलास चीनी डाली है और 1.5 गिलास ही पानी डाला है। और आटे को जैसे जो उसका पैकेट है गुलाब जामुन का पैकेट, उसको आटे की तरह ही गूंद लिया है। वैसे इसको दूध से भी गूंदते हैं गुनगुने पानी से, पर नॉर्मल पानी से ही ये बहुत बढ़िया बन जाता है। और मेहनत नहीं करना होता है, बस हल्का से बस उसका आटे को लपेट लेना होता है। अगर आप उसको आटे की तरह मर्दना नहीं होता, जैसे हम आटा बनाते हैं तो खूब मेहनत करके गूंथते हैं तो रोटियां अच्छी बनती, पर इसमें मेहनत नहीं करना होता, बस आप उसको लोई बना लो, पूरे आटे को मिक्स कर बिना बना लो, उसके बाद गोली बना के बस आराम से ही बहुत आसानी से फटाफट बन गए थे।
और यहाँ पे मैंने फिर गुलाब जामुन बना लिए थे और गर्म चाशनी में बस इसको डाल दिया था। और सब्ज़ी मैंने पहले ही काट दी थी, तो दीक्षा को बोला मैंने डाल दो तुम सब्ज़ी, क्योंकि लहसुन वगैरह डालने हैं, सिंपल जीरा मेथी और हींग डाल के हल्दी मसाले डाल के बस बनाने थे कद्दू की सब्ज़ी, तो उसको बोल दिया था, उसने छौंक दी थी उधर सब्ज़ी। और इधर मैंने गुलाब जामुन बना लिए थे। उसके बाद मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ, वो चावल के फरे बनते हैं, चावल और उर्द की दाल के, जो हम लोग के यहाँ शुभ माना जाता है। मेरी मम्मी, जब हम लोग छोटे थे तब से देख रही हूँ, मेरी मम्मी हमेशा ये फरे ज़रूर बनाती हैं, और कुछ बनाए चाहे ना बनाए ये फरे ज़रूर बनाती हैं। फरे, इसको गोइठा भी बोलते हैं हम लोगों के यहाँ, और सिंपल मसाले वाले भी बनते हैं, ऐसे भी बनते हैं। तो यहाँ पे उर्द की दाल ली है मैंने, और उसमें थोड़ा सा जीरा और हींग डाल के बस इसको बारीक पीस लिया है, और चावल का आटा थोड़ा सा नमक डाल के गूंद लिया था, जैसे आटा लगाते हैं वैसे ही चावल के आटे को गूंद लेना है। और बस इसको पीसने के बाद इसमें छोटी छोटी लोई बना के, और ये भाप वाला भी बनाया जाता है, और ऐसे पानी में भी, बॉयल पानी में, उबलते पानी में डाल के भी बनाया जाता है। तो मैं उबलने पानी रख दिया है उबलने के लिए, और बस इसमें थोड़ा थोड़ा उर्द की दाल में, क्योंकि इकट्ठा नमक नहीं मिलाते हैं, गीली हो जाती, बहने सी लगती है दाल ना, तो इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा नमक मिलाते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा बस इसमें भरते जाएंगे। ऐसे भर के इसका पूरा मुँह नहीं बंद किया जाता, बस हल्का हल्का इसको दबा दिया जाता है, और ये बन जाते हैं। उस तरफ के जो कोई बनाते होंगे उस तरफ के लोगों को पता होगा, ये फरे आसानी से बन जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं। इसको फ्राई करके, जैसे ऐसे सादा बना लिया उसके बाद चाय के साथ फ्राई करके खाइए तो बहुत ही टेस्टी लगता है, और ज़्यादा मेहनत भी इसमें नहीं लगती है। तो यहाँ पानी उबल रहा था, पानी में मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और बस इसको डाल दिया है, और 10 मिनट लगते हैं मुश्किल से इसको पकने में। ऐसे डालने पे अभी सॉफ्ट सॉफ्ट है, जब इसको हम निकालेंगे उबलने लगेगा, 10 मिनट मीडियम आंच पे रख देंगे और थोड़ा सा खोल देंगे, पूरा सा ढकेंगे नहीं। और इधर खीर रख दी थी मैंने दूध उबलने के लिए, तो खीर के लिए थोड़ा सा चावल भिगो के रखा था, उसको मैंने पीस लिया था, पीस के बस पूरा नहीं पीसना है, और डाल दिया था खीर। तो सादी सिंपल लेकिन अच्छी लगती है खीर, ऐसे एक भूज के भी बनाते हैं, पर ऐसे सिंपल खीर जो बनाते हैं अच्छी लगती है। और यहाँ पे फरे मेरे पक चुके हैं, तो बस ये टाइट से हो जाते हैं, जब ऐसे आप काटेंगे तो टाइट सा लगता है, गरम गरम बहुत ही अच्छा लगता है। और आप लोग भी ऐसे पूरे दिन बिजी रहे होंगे, बनाए होंगे डिश पे डिश, तो बहुत लोग बहुत चीज़ें बनाते हैं, और नहीं भी बनाते हैं तब भी चलता है, जिसकी जितनी हिम्मत जितनी श्रद्धा, जो भी बना सके वो बनाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये बनाओ ही, अपनी हिम्मत जितनी, क्योंकि व्रत भी रहता है तो बहुत लोगों की हिम्मत पड़ती है, बहुत लोगों की नहीं पड़ती है, तो तब भी जो अपना हो सके वो बना लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे खीर और वो फरे, खीर पक रही है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ कढ़ी। तो उसके लिए देखिए, बेसन फेंटते फेंटते जब पानी में डालिए, बेसन ऊपर आ जाता है, तो इसकी पकौड़ियाँ फिर बहुत अच्छी सॉफ्ट सॉफ्ट बनती हैं, जो कि कढ़ी में डालते हैं तो टाइट टाइट नहीं रहती। और यहाँ सिंपल मैंने बेसन में थोड़ा सा हल्दी और थोड़ी धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और अजवाइन, नमक, ये डाल के पकौड़ी बस सिंपल बनाऊंगी, क्योंकि आज जब व्रत वाले दिन लहसुन नहीं डालते हैं, लहसुन प्याज वगैरह, तो सादे ही सब कुछ बना रही हूँ। यहाँ पे ड्राई फ्रूट डाल दिए मैंने, खीर पक चुकी है, तो आज मेरी मम्मी भी व्रत होंगी और सासू माँ नहीं रखती हैं। और कढ़ी जो है मेरी मम्मी बहुत टेस्टी बनाती, मैं कितनी भी अच्छी कढ़ी बनाऊँ पर उनसे टेस्ट, उनका वाला स्वाद नहीं मिलता है मुझे। बहुत याद आती है, जब भी मैं जाती हूँ तो मम्मी से कढ़ी बनवा के ज़रूर खाती हूँ। और ये फरे वगैरह वो बहुत ही टेस्टी चीज़ें बनाती हैं, वैसे माँ के हाथों वाला स्वाद तो नहीं मिलता है। हम लोग भी माँ बन जाते हैं, हमारे भी बच्चे यही बोलते हैं मेरी मम्मी बनाती, पर हमें लगता है हमारी मम्मी कितना अच्छा बनाती हैं। और यहाँ पे फिर मैंने दही डाल दी है, घर में ही दही जमाई हुई थी, फ्रेश दही, उसको थोड़ा सा फेंट लिया है, और फेंटने के बाद बस इसमें मैं थोड़ा सा बेसन डालूँगी और इसमें डाल के घोल बना लूँगी। और इसमें फिर हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, बस ये सब डाल के इसी में घोल में ही बन जाएगी मेरी कढ़ी सिंपल वाली। और ये सारी चीज़ें मैंने आज बनाई जो आप लोग के साथ शेयर करी है। आप लोग क्या, और यहाँ पे जो है सब दोपहर में ही पूजा करते हैं, आप लोगों के यहाँ कैसे करते हैं, सबका अलग अलग रिवाज होता है अलग अलग पूजा करने का, तो हम तो शाम को ही पूजा करेंगे। और यहाँ पे मैंने जो मसाले डालने थे वो डाल दिया, कढ़ाई रख दी है तेल गर्म करने के लिए,
और ये भी मेरे हस्बैंड भी बोले मैं भी व्रत हूँ। कई बार इन्होंने रखा भी है, पहले तो ये फौज में रहते थे, कभी रहते भी नहीं थे तो वहाँ का मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती करके इनको दोपहर में खाना खिला दिया था। सुबह से इन्होंने दोपहर तक ड्यूटी चले गए, दोपहर में आ गए थे तो टिफिन में दिया था, वो भी नहीं खा के आए थे। फिर मैंने कहा नहीं आप खा लो, तो इनने ज़बरदस्ती मैंने इनको फिर खाना खिलाया था। यहाँ पर मैंने हींग, जीरा, मेथी और लाल मिर्च, कड़ी पत्ता ये डाल के छौंक लगा दिया है तेल में, और बस अब इसके बाद हो जाएगा तो घोल डालूंगी। तो बस मेरा सुबह से तो थोड़ा ठीक था, लेकिन शाम होते होते मेरी हालत बुरी हो गई थी, क्योंकि माइग्रेन है तो सर में बहुत दर्द होने लगा था। शाम होते होते बहुत बुरा हाल हो गया था मेरा। खाना वाना तो मैंने बना लिया था, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर सर दर्द बढ़ गया था। और यहाँ पे मेरी कढ़ी जब उबलने लगी तो मैंने डाल दी इसमें पकौड़ियाँ, और कढ़ी जब तक उबालना है तब तक थोड़ा थोड़ा चलाते रहना चाहिए, इससे उसमें गांठ वगैरह नहीं पड़ती और अच्छी बनती है कढ़ी। और कढ़ी में हमेशा नमक जो है बाद में डालिए, नमक तो फटेगी नहीं, जो कढ़ी फट जाती है वो फटेगी नहीं। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आटा अलग से लगाया था, वो बना रही हूँ मीठे मीठे पुए जो बोलते हैं हम लोग के यहाँ, उसको करवे में भरते हैं, उसके लिए मैंने थोड़ा सा आटा लगाया था। उसमें जो मीठी चाशनी बनाई थी उसी में से मैंने मीठा डाल के थोड़ी सी 4-5 के लिए बना लिए थे, आटा गूंद लिया था अलग से, तो उसकी पूड़ी पहले अलग बना के रख लूँगी। और सब आटा दीक्षा ने लगा दिया था, तो आटे में भी मैंने नमक, अजवाइन और थोड़ा सा तेल और कस्तूरी मेथी ये सब चीज़ें डाल दी थी, तो आटा गूंद दिया था, क्योंकि उसी आटे की मैं पूड़ी भी बनाऊंगी और कचौड़ी भी उसी आटे की बन जाएगी, सिंपल वाली कचौड़ी सादी, जो कद्दू उद्दू की सब्ज़ी के साथ बहुत टेस्टी लगती है। इनको बहुत अच्छी लगती है कद्दू की सब्ज़ी के साथ वो वाली कचौड़ियाँ, हम लोग ऐसे ही बना लेते हैं सादी कचौड़ी। जो भरने वाली बनाते हैं वो तो अलग बनती ही है, पर इस तरह से आटा एक ही लगा रहता है, उसकी पूड़ी भी पतली पतली कर लिए तो पूड़ी बन जाती है, थोड़ा मोटा बेल के बना लिए तो उसकी कचौड़ी बन जाती है। और यहाँ पे कढ़ी जब पक गई थी तब मैंने लास्ट में डाला है नमक। कढ़ी को थोड़ा पकने में टाइम लगता है, जब किनारे किनारे थोड़ी जम सी जाए, मलाई सी पड़ जाती है, तब कढ़ी का स्वाद आता है। जितनी अच्छी पक जाती है उतनी अच्छी कढ़ी बनती है। और बस यहाँ पे मैंने पूड़ी और सारी चीज़ें अब बन चुकी हैं, लास्ट में मेरी पूड़ी, और पूड़ी भी मैंने छान के इकट्ठा रख दिया था, क्योंकि बाद में पूजा करने के बाद तो हिम्मत पड़ेगी नहीं कुछ बनाने की, तो इसलिए मैंने सब कुछ बना लिया था, कुछ भी नहीं था बाद में, सिर्फ खाना था पूजा के बाद में। तो यहाँ पे पूड़ी और कचौड़ी दोनों ही मैंने छान ली थी और छान के अच्छे से रख दिया था। और तो आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और सपोर्ट करिएगा। और ये बन गई मेरी पूड़ियाँ, और बस मैं इसको रख दूँगी हॉट केस में कुछ, ताकि गर्म रहें, क्योंकि ठंडा मौसम आ गया है तो ठंडी ठंडी हो जाएंगी। पर खाना पूरा ठंडा ही हो गया था जब तक पूजा पाठ सब कुछ हुआ था, गर्म तो नहीं रह गया था, लेकिन कोई बात नहीं, व्रत है पूजा है तो कुछ ठंडा गर्म चलता रहता है, डेली तो हम गर्म ही बना के खाते हैं। और बस यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने बना के सब रख दिया था, आप लोग को दिखा रही हूँ कि क्या क्या बना है, मेरी कढ़ी, चावल और ये गोईठा फरे, गुलाब जामुन और इधर चावल वाले लड्डू, इधर खीर बन गई है, इधर कद्दू की सब्जी है। तो खाना बन गया है सब, आप लोगों ने देखा मैं लगी थी 2 बजे से बनाना शुरू किया था, इस समय बज रहे 5:30, घड़ी दिखाना दी। तो आप लोगों ने देखा ना 5:30 बज गए, 2 बजे से मैं लगी हूँ, लेकिन अब सारा चीज बन गया, अब चल के बस तैयार होना है और तैयार होके पूजा करनी है। तो ये तो आप लोग के पास कल पहुंच जाएगा, ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आगे वाला जो है वो पहुंचेगा परसों। तो आप लोग भी अच्छे से करवा चौथ मनाए होंगे, तो उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं, सबकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, और आगे का वीडियो आपको पार्ट 2 में मिलेगा। तो बाय बाय।